हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, अनदर वीडियो ऑफ स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम वर्कबुक में पेज नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। आपको यहाँ पे एक एक पिक्चर दिया है और दो ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको जो राइट है उसके नीचे लाइन करनी है और उसके ऊपर जो ब्लैंक है उसमें आपको वो फ्लावर लिख देना है। फर्स्ट नंबर है शू फ्लावर, सेकंड मैरीगोल्ड, थर्ड मोगरा, फोर्थ लोटस, फिफ्थ सनफ्लावर, सिक्स्थ जैस्मिन, सेवेंथ डेजी, एट पेरीविंकल। नाउ ऑन पेज नंबर 14 देयर इज अ पिक्चर ऑफ ट्री, उसके पार्ट्स हमको दिखाने हैं। आपको ब्रैकेट में दिए हैं लीव्स, रूट्स, फ्रूट्स, ब्रांच, ट्रंक। मैंने लिख दिया है ट्रीज की जो जो पार्ट्स है वो, ब्रांच यानी कि डाली, फ्रूट, फ्रूट मतलब ट्री का जो फ्रूट होता है वो, रूट, रूट मतलब जो ज़मीन के अंदर जो मूल बोलते हैं उसको हम रूट बोलते हैं। नाउ ट्रंक, ट्रंक मतलब उसका जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको ट्रंक बोलते हैं, ब्राउन कलर का आता है वो। देन लीव्स, लीव्स मतलब पत्ते। तो इस तरह से जैसे मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है उसी तरह से आपको ये सारे पार्ट्स अपनी वर्कबुक में लिख लेना है और वन टाइम लर्न करना है। नाउ ऑन पेज नंबर 15 देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ फ्लावर। जैसे हमने ट्रीज के पार्ट्स दिखाए वैसे ही हमें फ्लावर के पार्ट्स दिखाने हैं। तो फ्लावर्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, तो आपको ब्रैकेट दिया गया है लीव्स, फ्लावर, स्टीम, पेटल। तो उसकी जो पंखुड़ी होती है उसको हम बोलेंगे पेटल, उसके जो लीव्स होते हैं हरे कलर के, ग्रीन कलर के, उसको बोलेंगे लीव्स। उसकी पतली सी जो डाली मीन्स पतली सी जो डाली होती है उसको बोलेंगे स्टीम। एंड द होल पिक्चर ऑफ फ्लावर, पूरा पिक्चर किसका है, तो फ्लावर। तो इस तरह से मैंने स्क्रीन पे आपको लिख के ही दिया है, आपको अपनी बुक में लिख देना है। इसका पीडीएफ फॉर्म मैं वीडियो के नीचे भेज रही हूँ। नाउ ऑन पेज नंबर 16 वी हैव सम स्पेस, ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ अ प्लेस लाइक ए गार्डन वेर यू हैव सीन प्लेंटी ऑफ फ्लावर्स। इसका मतलब ये वाला जो आपको जगह यहाँ पे दिया है वहाँ पे आपको एक गार्डन का पिक्चर ड्रॉ करना है और उसमें कलर्स करने हैं। जैसे फ्लावर्स है, हमको पता है गार्डन में क्या क्या होता है, तो फ्लावर्स होते हैं, स्लाइड्स होती है, स्विंग्स होते हैं, फाउंटेन होते हैं, बेंचेस होती है, फिर बच्चे वहाँ पे घूमते रहते, बड़े घूमते रहते। तो इस तरह से हमें एक पूरा गार्डन का पिक्चर बनाना है और उसमें हमें कलर्स करने हैं। नाउ वही पिक्चर के नीचे राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द पिक्चर। अभी हमने ऊपर किसका पिक्चर ड्रॉ किया, तो गार्डन का, तो हमें उसके नीचे गार्डन के बारे में 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ, आप लोग वन टाइम रीड करना। दिस इज माय गार्डन, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई लाइक टू ग्रो कलरफुल फ्लावर्स इन माय गार्डन। ये मेरा गार्डन है, वो बहुत ही सुंदर है, मुझे उसमें रंग बिरंगी फ्लावर्स ग्रो यानी कि उगाना बहुत ही अच्छा लगता है। देर आर रेड रोजेस, सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड्स एंड जैस्मिन्स टू। गार्डन के अंदर लाल गुलाब, येलो कलर के सनफ्लावर्स, मैरीगोल्ड्स एंड जैस्मिन बहुत सारे लगे हुए हैं। देर आर मैनी बर्ड्स इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में बहुत सारे बर्ड्स आते हैं। दे सिंग स्वीट सॉन्ग, वो अपनी किलकिलाहट से बहुत ही सुंदर गाने गाते हैं।
आई वाटर द प्लांट्स एवरी डे, हर रोज़ मैं मेरे गार्डन के प्लांट्स को पानी देता हूँ। आई लव माई गार्डन सो मच, मुझे मेरा गार्डन बहुत ही पसंद है। स्टूडेंट्स, आई विल कम्प्लीट चैप्टर नंबर 1 इन अ टेक्स्ट बुक एंड इन अ वर्क बुक। ओके, थैंक यू एंड बी सेफ।